अगर मैं तुम्हें अभी नहीं उठाती ना, तो सुबह में तुम्हारे पापा तुम्हें इस दुनिया से ही उठा देते। जब उन्हें ये पता चलता कि रात भर तुम मेरे रूम में थे। अब तो कल सुबह होने का इंतजार है। कल सुबह होते ही सब लोग जम्वा की वाह वाह करेंगे, क्योंकि वो जानता है कि पापा जी उसकी बेबी को अपने घर में कभी एंट्री नहीं देंगे। जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था वैसा ही भारती के साथ करेंगे। मैं अपने हाथों से अपनी बहू को मेरा मतलब है जैसे मैंने अपनी बहू पम्मी को सिखाया ना वैसे ही तुम्हें सिखा दूंगी। तुम्हें इसमें से जो भी साड़ी पसंद आए रख लेना, मेरे तरफ से तुम्हें गिफ्ट। नहीं आंटी जी, मैं इस तरह आपसे गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। आप ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। चल पगली, इतना सोचते नहीं हैं। ये घर भी तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे हैं, समझी? ये माँ का अचानक भारती के लिए इतना प्यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदर्श बेटा, हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। भारती, तुम्हारा चार्जर खो गया था ना, तो ये लो, तुम्हारे लिए नया चार्जर लेकर आया। अब तुम अपना मोबाइल चार्ज कर सकती हो। That's so nice of you. Thank you so much. अरे चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ माँ, चलो नाश्ता कर लेते। चलिए। हे भगवान, कोई माने या ना माने मगर मैंने भारती को अपनी बहू मान लिया। हे गुप्ता जी का फोन। हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं आप? हमारी बहू कैसी है? कौन बहू? अरे अपनी पिंकी, हमारे घर की होने वाली बहू। देखो जगमोहन राय, उस दिन अपने घर बुलाकर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने हमारी जो बेइज्जती की है वो कम नहीं है क्या? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें हमारी कंपनी की डील नहीं दे रहा हूँ। डील नहीं दे रहे? अरे गुप्ता जी, आप अभी भी उस बात को लेकर नाराज है? देखो मैं तो आपके पीछे पीछे दौड़ा था, लेकिन आप एक पल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, निकल गए वहां से। हे गुप्ता जी, आपके जाने के बाद मैंने अपने परिवार वालों को और मेरे बेटे आदर्श को बहुत डांटा, बहुत समझाया उन लोगों को कि भाई गुप्ता जी जैसा परिवार बहुत कम लोगों के सौभाग्य में होता है। तब जाके उनकी अकल ठिकाने आई। अब तो उन लोगों को उस बात से बहुत पछतावा हो रहा है। तुम सच कह रहे हो कि सब नाटक है? नाटक नहीं गुप्ता जी, ये हकीकत है। अब तो हमारे घर की बहू आपकी बेटी पिंकी ही बनेगी। मैंने तो उन लोगों की सगाई की तैयारियां भी शुरू कर दी है। आप भी फटाफट सगाई की तैयारियां शुरू कर दो गुप्ता जी, और सगाई के बाद उन दोनों की शादी भी बहुत जल्द धाम धूम से कर देंगे। देखो जगमोहन राय, अपनी जुबान पे डटे रहना। अरे गुप्ता जी, यही बात तो मैं आपसे कहने जा रहा था। मैंने मेरी जुबान आपको दे दी, अब आप भी अपनी जुबान से दी हुई वाणी भूलना मत। ठीक है, जिस दिन सगाई हो गई समझो उस दिन हमारी कंपनी की डील भी आपको मिल गई। बस समझी जी, अब आप भी जल्द ही सगाई की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं पंडित से पूछकर बहुत जल्द मुहूर्त निकलवाता हूँ। ओके चलिए बाय। बड़ी मुश्किल से इस गुप्ता को अपने चक्कर में लिया है,
वरना वो तो बिजनेस डील कैंसिल करने पर तुला हुआ था। मतलब मेरा इतना बड़ा नुकसान, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब तो जल्द से जल्द आदर्श की सगाई गुप्ता की बेटी पिंकी से करनी ही होगी, चाहे घर वालों की मर्जी हो या ना हो। आदर्श की शादी गुप्ता की बेटी पिंकी से होकर ही रहेगी। आरती, अरे ये तुम अखबार पढ़ रही हो या उसके अंदर लिखी खबरों को याद कर रही हो? आदर्श, इसमें एक ऐड आई है, कंप्लीट इंडिया टूर इन 30 डेज। इन्होंने लिखा है कि इंडिया की हर वो जगह घुमाएंगे जो खूबसूरत है और फेमस है। तो अरे तुम्हें याद नहीं है मैं इंडिया क्यों आई हूँ? मैं यहाँ आई हूँ अपनी पहचान ढूंढने। राइट। और अपने इस मकसद के लिए मैं पूरा इंडिया घूमना चाहती हूँ, यहाँ के अलग अलग लोगों से मिलना चाहती हूँ, अलग अलग जगहों को देखना चाहती हूँ। Yes, इंडिया is great. इंडिया की बात ही कुछ अलग है। इनफैक्ट तुम जैसे NRIs को तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है और उन सब खूबसूरत जगहों में से सबसे पहले तो तुम्हें कश्मीर देखना चाहिए। Yes, I know. मुझे पता है, मैंने पढ़ा भी है कि इंडिया में सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर है और बहुत तारीफ सुनी है जगह की। अरे बिल्कुल, कश्मीर है ही काबिले तारीफ, इसीलिए तो कश्मीर को जन्नत कहते हैं। मैंने तो सोच लिया, मैं अपनी फिल्म का पहला गाना है ना, कश्मीर में शूट करूंगा। ये हसीन वादियां, इतना सारा बर्फ और इन सेब के बागानों के बीच में मैं और मेरे फिल्म की हीरोइन। हाय 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 हाय, यस। बस 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 बस, तुम तो अपने ख्यालों में अभी कश्मीर पहुंच गए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सबसे पहले कश्मीर ही जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूं कि ऐसा क्या है उस जगह में जिसे लोग जन्नत कहते हैं। कश्मीर, कौन जा रहा है कश्मीर? आदर्श, तुम अपने मोबाइल से इस टूरिस्ट कंपनी को फोन लगाकर कश्मीर टूर की सारी डिटेल्स पूछ लो। यू नो व्हाट, मेरे मॉम डैड अपने हनीमून के लिए कश्मीर ही गए थे और उनके मुंह से तो मैंने इस जगह की इतनी तारीफें सुनी है। चलो अच्छा है, अब तो मैं सबसे पहले कश्मीर ही जाऊंगी। ओ जी, कश्मीर, ये तो अपने हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं, वो भी कश्मीर। बड़े तेज निकले जी, घर में तो किसी को शादी के बारे में नहीं बताया और सीधा हनीमून पर। मुझे ना ये बात बाग को जाके बतानी ही पड़ेगी। जी ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ, ले लिए डिटेल्स? हाँ डिटेल्स तो ले लिए, पर इस पूरे पैकेज के टोटल 99,000 है, तो इस वक्त तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। और मैं अपने घर वालों से भी नहीं मंगवा सकती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें मेरी इस हालत के बारे में पता चल जाएगा तो वो तो जिद करके एक दिन में ही मुझे वापस बुला लेंगे। और अब मैं यहाँ से अपनी पहचान ढूंढे बगैर तो नहीं जाऊंगी।
चले बा, अब आप जल्दी जल्दी दवा पी लीजिए। मुझे नहीं पीनी तेरी कड़वी दवा। बा अबे जिद नहीं करो, आंखें बंद करके मुंह खोल के दवा पी लो प्लीज। उससे क्या होगा, तेरी ये कड़वी दवा मीठी हो जाएगी। और सुन, तेरी ये गंदी कड़वी दवा पीने के आधे घंटे बाद भी मेरे मुंह में कड़वाहट रहती है। अरे बा, मैं आप लोगों के लिए ऐसी खबर लाई हूँ कि आपको ना ये कड़वी दवाई भी मीठी लगने लगेगी। अच्छा, पहले बता खबर क्या है। पहले दवाई फिर खबर। सही कहा पम्मी। बा जल्दी से आ। चल चल बता अब क्या है। पता है इस घर में ना नया दुल्हा और दुल्हन ना अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो भी कश्मीर जाने की। अच्छा, अरे वाह, कश्मीर कितनी अच्छी जगह है ना। अरे चुप कर, क्या अच्छी जगह है हा? अभी तो उसका कान पकड़कर उसकी सच्चाई जाननी ही होगी। क्या लगा रखा है उसने हा? मुझसे छुप कर शादी की? अरे कम से कम मुझे तो बता था, उसके बाप से छिपा कर मैं उसकी शादी करा देती। कम से कम मेरे मन को तो ये दुख नहीं होता था कि उसकी शादी में मैं नहीं थी। अच्छा चल, शादी तो कर ली, अब हनीमून जाने की सोच रहा है वो भी छिपकर। अरे एक दर्द सहन नहीं हुआ तो अभी हनीमून जाने का प्लान कर रहा है। अरे मुझसे आके कहता हा? मैं अपने पैसे से उसे हनीमून भेजती। और नहीं तो क्या बा, आप ना बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो। और इसी बहाने ना आदर्श और भारती के साथ ना मैं और दक्षेश जी भी ना कश्मीर घूमने चले जाते। और वैसे भी आप लोगों ने ना हमें तो शादी के बाद कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, और इसी बहाने बा हमें भी कश्मीर जाने के लिए हनीमून पैकेज गिफ्ट कर देती, है ना बा? ए पम्मी, मैं आदर्श और भारती की बात कर रही हूँ, तो क्यों जबरदस्ती बीच में घुस रही है हा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि शादी के इतने सालों बाद मैं तुझे हनीमून भेजूं। देखा माँ, बाना अपनी नई दुल्हन के आने के बाद ना अपनी इस पुरानी दुल्हन को तो भूल ही गई, मुझे नहीं आप लोगों से बात करनी। पम्मी, अरे बेटा रुको तो सही। पम्मी आशुबा, देखा ना पम्मी रूठ कर चली गई। अरे रूठने दो उसे, तुम अभी के अभी मेरे साथ आदर्श के पास चलो, जाकर उससे पूछते हैं कि उसने शादी की है तो छिपा क्यों रहा है। बाबा रुकिए बा, आप ऐसे गुस्से में मत जाइए, गुस्से में आपकी आवाज चढ़ जाएगी, और कहीं आदर्श के पापा ने ये बात सुन ली ना तो बेचारे मेरे आदर्श की जान ले लेंगे। देखिए बा, आप थोड़ा शांत हो जाइए, फिर हम आराम से आदर्श से पूछते हैं, ठीक है? ठीक है, जगिया के जाने के बाद हम लोग आदर्श से बात करेंगे। छुपाकर शादी कर ली, छुपाकर हनीमून जा रहा है, वो भी कश्मीर। पम्मी, ये तुम सच कह रही हो या फिर ये सिर्फ तुम्हारी कोई मनगढ़ंत कहानी है? हाय रब्बा, आपको तो कभी मेरी बात पे यकीन ही नहीं होया। मैं ना 100% सही कह रही हूँ, आदर्श ना भारती के साथ ना कश्मीर जा रहा है, और देखा उन्होंने कैसे चट से शादी कर ली और पट से हनीमून भी प्लान कर लिया। और एक तुसी हो जी जो शादी के बाद ना कभी हनीमून ही नहीं प्लान कर पाए, और आपने ना हनीमून के नाम पे ना एक उंगली से मुझे हनी चटा दिया और दूसरी उंगली से आसमान पर मून दिखा दिया। हाँ नहीं तो पम्मी, अब प्लीज तुम अपनी कहानी शुरू मत कर देना। अच्छा ये बताओ, बा ने इस बात पर क्या रिएक्ट किया? पहले तो वो थोड़ी सी नाराज हो गई थी, लेकिन बाद में कहने लगी कि आदर्श अगर उन्हें अपनी शादी की बात पहले बता देते ना तो वो खुद ही उन्हें हनीमून पैकेज गिफ्ट कर देती। और फिर मैंने भी उनसे कह दिया कि बा इसी बहाने ना हम दोनों भी हनीमून पर चले जाते, क्योंकि शादी के बाद तो आपने हमें कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। तो पता उन्होंने हमारे लिए क्या कहा? हमारे लिए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हाँ नहीं तो ओए, अब तुसी क्या सोचने बैठ गए? यही कि कल रात तक तो शादी शादी कर रहे थे और आज बात हनीमून तक पहुंच गई, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये पता लगाए कि ये लड़की है कौन, किसकी बेटी है, उसके माँ बाप कौन है।
हेलो डैडी। हेलो हेलो भारती बेटा, अरे 3 दिन से तेरा फोन नहीं लग रहा था, तू ठीक तो है ना बेटा? तेरा फोन बंद क्यों था? डैड आपकी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? और मेरा फोन, वो मेरे मोबाइल का चार्जर घूम गया था ना, इसीलिए। आई एम सॉरी बेटा, हमें कृष्ण सब कुछ बताती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और तुमने एक बार भी शिकायत नहीं की, फोन करके अपने डैडी से ये नहीं कहा कि डैडी मैं परेशान हूं। अब जल्दी आ जाओ बेटा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। नहीं डैडी, देखिए मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वो वक्त के साथ निकल गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, जहां भी हूं बिल्कुल सही सलामत हूं। सो प्लीज आप मेरी टेंशन मत लीजिए। नहीं बेटा, अब तेरे डैडी का दिल घबरा गया है, तू अकेले इंडिया में नहीं रह सकती, तू जल्द से जल्द यहां आने की तैयारी कर। सॉरी डैड, मैं आपके इमोशंस को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में कनाडा वापस आने का डिसीजन मैं नहीं ले सकती। जिस मकसद से मैं इंडिया आई हूं वो पूरा किए बिना मैं कनाडा वापस नहीं लौटूंगी। प्लीज डैड, इस वक्त मुझे आप लोगों के साथ और हिम्मत की जरूरत है। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे और मेरी टेंशन लेंगे तो मैं तो यहां कमजोर पड़ जाऊंगी। प्लीज डैड, आप मुझे कमजोर मत पड़ने दीजिए। एंड डैड प्लीज ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। आई लव यू अ लॉट। आई लव यू बेटा। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना है? अच्छा, डोंट वरी, ओके बाय। ठीक है। गायत्री, मैंने भी भारती से बात हुई, वो बिल्कुल ठीक है, उसका फोन बंद था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी भारती ठीक है। अब जल्दी से उसे फोन लगाइए ना, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं नहीं गायत्री, उसे फोन लगाना ठीक नहीं है, हमारा बार बार फोन करना उसके उसके काम में रुकावट डालता है। तुम देखना, वो जल्दी ही हिंदुस्तान में सारे इम्तिहानों को पार करके अपनी पहचान ढूंढ कर आएगी। आज आपके कनाडा बुलाने की जिद पर मैंने स्ट्रांग होके आपसे कह तो दिया कि मैं हिंदुस्तान में अपनी पहचान ढूंढे बगैर कनाडा नहीं आऊंगी, पर आई मिस यू डैड, आई रियली डू। आई मिस यू ऑल। तुझे भी मिस कर रही हूँ बहुत। सीमा, आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिनों तक हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। बहुत याद आ रही है तेरी। एक मिनट रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। वाह, मैं भी इसे टच आउट कर लेती हूँ तो ये पहनकर शादी वाले दिन कितनी प्रिटी लगेगी यार। बस बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कर। काश कि तू मेरी शादी में यहाँ इंडिया में होती। जानती है मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो भी यहाँ नहीं होगी। नसीब, देखते हैं हमें हमारा नसीब कब तक मिलवाकर भी नहीं मिलवाता। पता है सीमा, मेरा मन कर रहा है बस अभी तेरे पास आ जाऊं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू।
तेरी शादी की शॉपिंग तेरे साथ करूं, तुझे अपने हाथों से सजाऊं, तुझे दुल्हन के जोड़े में देखूं। अच्छा अच्छा बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी एक ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकती हूँ कि जब मैं वहां कनाडा आऊंगी तो इसी शादी के जोड़े में एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगी। तू मुझे रिसीव तो करने आएगी ना? हाँ। लेकिन तू तो मुझे भूल गई होगी ना, अपने नए घर और अपने नए पति के प्यार में, है ना? की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, पर प्लीज प्लीज ऐसे मत जाओ। तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो आदर्श? देखो आदर्श, हम दोनों का मिलना एक इत्तेफाक था। शायद ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे सिर्फ मेरी मदद करने के लिए मिलवाया था। तब से लेकर अब तक तुमने हर कदम पर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम बाप बेटे के रिश्ते में कोई दरार आए।